हेलो चलो ये कमेंट 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 पे डाल दीजिए चलिए नमस्कार मित्रों सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए आज जो हम लोग का टॉपिक है वह बिहार एसएससी के लिए जो राज्य व्यवस्था की बात कहा जाए पॉलिटी या संविधान और राज्य व्यवस्था आदिति कुमार गुड इवनिंग सभी बच्चे का आज पहला क्लास होगा बिहार एसएससी के लिए आप लोगों का यह पहला क्लास होगा जिसमें अभी जो हमारे द्वारा क्लास लिया जाएगा पॉलिटी का क्लास आप लोगों के लिए लिया जाएगा राजव्यवस्था का ठीक है चलिए कुमारी सपना गुड इवनिंग सभी चलिए सबसे पहले सवाल यह आता है जो कितने नंबर का आप लोगों का जो है वह एग्जाम टोटल होगा तो डेढ़ सौ नंबर के टोटल जो है डेढ़ सौ क्वेश्चन होंगे जिसमें से पचास नंबर के आपके जो है वह जनरल स्टडी से जीके और जीएस दोनों की बात किया जाए तो वहां से उसके साथ ही पचास नंबर के आप लोगों के लिए मैथ होगा और साथ में उसी पचास क्वेश्चन में पचास क्वेश्चन में आप लोगों का मैथ और साइंस का पोर्शन होगा और पचास नंबर जो है वह आपका रीजनिंग का होगा तो इसी में से एक जो पार्ट आ, जो आ, जीएस का है वह भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की बात करो वह और साथ ही साथ मेरे द्वारा आप लोगों को ज्योग्राफी ये दो पोर्शन मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ठीक है चलिए सबसे पहले बात किया जाए संविधान है क्या तीन ही लोग जुड़े हुए हैं संविधान क्या है सवाल यह आता है तो पहला क्लास हम लोगों का तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यह आपसे पूछेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इसमें वही चीजों को हम पढ़ेंगे ठीक है तो संविधान है क्या तो बाबू संविधान की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो जिसके अनुसार थोड़ा सा सिर्फ सुन लेंगे धीरज धर के जिसके अनुसार देश की सत्ता किसी भी देश की शासन सत्ता और सामान्य व्यवस्थाएं चलती है उन्हीं प्रावधानों का संग्रह जहां किया जाता है जिन प्रावधानों के अनुसार उसे संविधान कहा जाता है जहां उसका संग्रह किया जाता है ठीक और उसी का व्यवहारिक रूप जो होता है वह राज व्यवस्था होता है ठीक अब सवाल यह आता है जो हमें पढ़ना क्या क्या है संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम उन पोर्शन को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है जैसे राष्ट्रपति की बात करें उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाएगा वहीं नागरिकता की बात करें तो वहां से क्वेश्चन कम पूछा जाएगा ठीक तो उन चीजों को छोड़ते हुए चलेंगे उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम बेसिक से और छोटा छोटा क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछा जाएगा चलिए अब संविधान में बात किया जाए जो जिस समय में आपसे पूछेगा जो भारतीय संविधान जिस समय में बना था उस समय में संविधान के कितने भाग थे मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कितने भाग थे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहें संविधान की बात बात कहें तो कितने भाग थे तो 22 भाग थे कितने भाग 22 भाग थे ठीक अब वही पूछे आपसे वर्तमान में कितने भाग हैं तो बाबू वर्तमान में जो है वर्तमान में 25 भाग है संविधान के फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें पूछेगा सगुन कुमारी गुड इवनिंग संविधान की बात कहा जाए संविधान में जो है वह कितने आर्टिकल अनुसूची ये अनुच्छेद कितने अनुच्छेद हैं तो जिस समय में हमारा संविधान बना उस समय में मूल संविधान की बात कहा जाए तो उस समय में तीन सौ पंचानवे आर्टिकल था थ्री नाइन्टी फाइव जो है वह आर्टिकल था अनुच्छेद था और वर्तमान की बात कहा जाए तो लगभग चार सौ सत्तर से अधिक आर्टिकल है अनुच्छेद है इसको नोट करते चलेंगे उसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे समय के अनुसार जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होगा हमको ज्यादा गोल गोल नहीं घूमना है जब कि अगर शुरू किया जाए तो इंट्रोडक्शन में एक दो दिन एक दिन आपका चला जाए तो इसलिए इतना ज्यादा हम लोग को इंट्रोडक्शन पे समय नहीं देना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आवश्यक होगा उसी चीजों को करते चलेंगे ठीक है चलिए तो कितने भाग आपसे पूछे जो मूल संविधान में कितना भाग तो 22 भाग था और वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं अनुच्छेद की बात किया जाए जो कितने अनुच्छेद कितने आर्टिकल हैं तो तीन सौ पंचानवे आर्टिकल मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था और वर्तमान में जो है वह कितने अनुच्छेद आर्टिकल है तो चार से अधिक ये जो एरो ऊपर तरफ लगा हुआ इसका मतलब यही हुआ इससे अधिक आर्टिकल वर्तमान में अभी है ठीक है चलिए तीसरा चीज आपसे क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है जो कि कितनी अनुसूचियां अर्थात शिड्यूल थे अनुसूची कितना था तो अनुसूची की बात कहा जाए तो मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आठ अनुसूची था वर्तमान में कितने अनुसूची हैं तो वर्तमान में बारह अनुसूची है कितने हैं बारह अनुसूची है इसमें किसी को दिक्कत अब ये कैसे कैसे हुआ वो आगे देखेंगे पहले इसमें किसी को दिक्कत कितने अनुच्छेद हैं कितने अनुसूची हैं कितने भाग हैं और वर्तमान में कितने और जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय में कितने भाग थे इसमें किसी को कोई दिक्कत चलिए भारती झा नो सर ठीक है और यहां से क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे एग्जामों में इससे क्वेश्चन को पूछा जाता है अब हम लोग कहां से अपने संविधान में इंटर करें और कहां से क्वेश्चन को पूछा जाता है तो सुनेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूची से शिड्यूल से क्यों शिड्यूल से क्वेश्चनों को पूछने की प्रवृत्ति रही है ठीक है चलिए शिड्यूल से क्वेश्चनों को पूछने की प्रवृत्ति रही है तो बात किया जाए जो पहली अनुसूची कहा जाए अब यह अनुसूची क्या है सवाल यह आता है सबसे पहले जो यह अनुसूची क्या है आर्टिकल क्या है भाग क्या है तो बाबू जैसे किसी किताब को हमारा संविधान क्या है एक दस्तावेज हमने शुरू में क्या कहा जो संविधान क्या है जहां उन नियमों का संग्रह किया गया है एक भौतिक दस्तावेज है तो आप जैसे किताब पढ़ते होंगे अगर लेमन वाले भाषा की बात किया जाए तो अगर आप किताब पढ़ते होंगे तो किताब में देखेंगे जो सबसे पहले एक प्रियम्बल टाइप का मतलब एक उसके बारे में एक प्रस्तावना किसी भी बुक की होती है जिसमें सारे चीजों को लिखा हुआ होता है यह, यह किताब किस चीज के लिए है कितने इसमें चैप्टर कि किसने इसे लिखा कहां से यह निकला मुद्रित हुआ इन चीजों को लिखा गया कि कैमा एडिशन है इस सारी चीजों को लिख दिया जाता है मतलब उस किताब का प्रस्तावना उस का उस किताब किताब का का परिचय पत्र होता है जिसको पढ़ लेने पे मोटे मोटे तौर पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको यह समझ में आ जाता है जो भाई यह किताब किस लिए और कितना उपयोगी हमारे लिए होगा उसी तरह से संविधान में भी प्रस्तावना का वही इंपॉर्टेंस है वही रोल है प्रियम्बल का उद्देशिका का वही रोल है ठीक है तो आप जब संविधान को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा प्रस्तावना मिलेगा फिर किताब की बात करें तो किताब में क्या मिलता है भाग मिलता है उसी तरह से लेसन की बात किया जाए तो संविधान को भी अगर उस हिसाब से आप देखें उस नजरिए से देखें तो वहां क्या मिलेगा आपको भाग मिलेगा लेसन मिलेगा है कि नहीं तो वही भाग जो मूल संविधान जिस समय में संविधान हमारा बना उस समय में 22 भाग वहां मिलता था अभी वर्तमान में 25 भाग है फिर जब किताब को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें पेज नंबर होता है उसी तरह से आर्टिकल का रोल भी उसी फॉर्म में है और अनुसूची की बात किया जाए शिड्यूल की बात करें तो शिड्यूल क्या होता है जैसे किताब में देखे होंगे नोट में कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको नोट में करके दे दिया जाता है, है ना तो नोट में जो करके दिया जाता है किताब में उसी तरह से संविधान में भी एक अलग से एक खाका खाखा बना करके ड्रॉ कर दिया गया वो अनुसूची जिसमें मोटे मोटे तौर पे उन चीजों को लिख दिया गया है जिससे आपको अः अः किसी भी चीजों को समझने में दिक्कतें नहीं आएगी तो वही नोट जो है वह आपका अनुसूची शेड्यूल है अब सवाल आता है ये शेड्यूल पहले आठ थे वर्तमान में बारह हैं और यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अब देखेंगे पहली अनुसूची की बात कहा जाए आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है जो पहली अनुसूची में क्या है पहली अनुसूची की बात किया जाए शेड्यूल की बात किया जाए इसमें क्या है इसमें संघ संघ और उसके क्षेत्र के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है क्षेत्र के विषय में अब कहेंगे जो इस क्षेत्र के विषय में क्या संघ और उसके क्षेत्र के विषय में तो इसमें अब जब अंदर जाके पढ़ते हैं तो 28 राज्य वर्तमान की बात कहा जाए उनके नामों की उनके नामों की जिक्र की गई है जो ये 28 राज्य कौन कौन से हैं और वर्तमान में जो आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम की चर्चा मिलती है यूटी के यूटी की बात करें इसकी चर्चा मिलेगी आपके पहले जो अनुसूची को पढ़ेंगे फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ेंगे वहां आपको मिलेगा ठीक है <coughs> तो पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में आपको क्या मिलेगा राज्यों के नाम पर्टिकुलर मिलेगा और आठ वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी हैं उनके नामों की जिक्र जो वह कौन कौन से हैं वह पहली अनुसूची में आपको मिलेगी तो आपसे अगर पूछे जो पहली अनुसूची में क्या है फर्स्ट शेड्यूल में क्या है तो आप कहेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ठीक है दूसरी अनुसूची की बात कहा जाए जो दूसरी अनुसूची में क्या है बाबू तो दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में कहा गया क्या चीज वेतन परिउपलब्धि वेतन भत्ता और परिउपलब्धि उपलब्धि परी, उपलब्दी, परी, उपलब्दी, परी उपलब्धि के बारे में कही गई है वेतन भत्ता और परी उपलब्धि के बारे में चर्चा किया गया है क्या है वेतन किसको क्या वेतन जिनकी जिनकी चर्चा संविधान में किए गए जिन जिन पदों के उनके वेतन के उनके भत्तों के उनके परिउपलब्धियों के अब कहेंगे परिउपलब्धि क्या है साहब तो परिउपलब्धि जैसे राष्ट्रपति के बारे में अगर बात किया जाए तो उनको वेतन उनको अपने पद के लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है संविधान में उसके लिए परिउपलब्धि शब्द की चर्चा की गई है ठीक है तो परिउपलब्धि उनको दिया जाता है और रहा वेतन किसके किसके बात कहा जाए जिसे आप कहा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करे भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करे ठीक उसके बाद संसद के सदस्यों की बात कहा जाए ठीक इन सभी के वेतन भत्ते जो जो संविधान में जिन जिन पदों की बात की गई है कैग की बात किया जाए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कहा जाए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया की मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो उनके वेतन भत्ते की बात कहा जाए तो इसकी चर्चा की गई है आपसे मोटे मोटे तौर पे एक ही चीज पूछेगा जो दूसरी अनुसूची में सेकंड शेड्यूल की बात कहा जाए उसमें क्या है तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है जो वेतन की चर्चा की गई है क्या की गई है वेतन भत्ता परि उपलब्धियों की चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची की बात कहा जाए जो तीसरी अनुसूची में क्या कही गई है तो तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची की बात करूं तो तीसरी अनुसूची में क्या है तो यहां शपथ की चर्चा की गई है ओथ किसके शपथ की चर्चा की गई है तो सुनेंगे ध्यान से तीन व्यक्तियों के शपथ को छोड़ करके किनके किनके शपथ को छोड़ करके बाबू तो राष्ट्रपति ठीक उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीन के शपथ की चर्चा इसमें नहीं है तो इसमें शपथ की किसकी चर्चा है तो इसमें जो संसद के नए सदस्य आएंगे ठीक साथ ही साथ जैसे चीफ जस्टिस जस्टिस की बात कहा जाए ठीक उसके बाद जो भी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति आसीन होंगे और वह जो शपथ लेंगे उनके शपथों की चर्चा की गई है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके ये अपवाद है इनको छोड़ करके इसको नोट करते चलेंगे छोड़ छोड़कर राज्यपाल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों को शपथ को छोड़कर बाकी सभी के शपथों की चर्चा की गई है ठीक चौथी अनुसूची की बात करूं बाबू चौथी अनुसूची में क्या है तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सुनेंगे ध्यान से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किनके लिए तो राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए ठीक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन किया गया है मतलब राज्यसभा में जैसे आप देखते होंगे जो बिहार से कितना सीट राज्यसभा में तो आप कहते हैं ना जो 16 सीट बिहार से दिया गया है बिहार को 16 सीट राज्यसभा में है ना बाबू उसी तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए जो सीट आवंटित किया जाएगा तो ये दिल्ली को कितना सीट मिले तो दिल्ली के जो अगर तीन सीट मिलेगा तो वो कहां से मिला इसकी चर्चा कहां है तो इसकी चर्चा यही चौथी अनुसूची की अगर बात करेंगे वहीं इसकी चर्चा की गई है तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कहा जाए किसके किसके लिए तो राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर पुदुचेरी की बात कहा जाए जो पुदुचेरी को कितना सीट मिले राज्यसभा में तो इसकी चर्चा कहां तो यह चौथी अनुसूची में मिलती है फोर्थ शेड्यूल में मिलती है किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत भारती शगुन सपना अदिति किसी को कोई दिक्कत चौथी अनुसूची में क्या है तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन की बात कहा जाए ठीक तो राज्य राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है चलिए पांचवी अनुसूची की बात कहा जाए ठीक है पांचवी अनुसूची में क्या है बाबू पांचवी अनुसूची की बात कहूं तो फिफ्थ शेड्यूल की बात करूं इसमें क्या है इसमें है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की बात कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जन जातीय क्षेत्र के विषय में कहा गया है उसके प्रशासन की बात अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात पांचवी अनुसूची में किया गया फिफ्थ शेड्यूल में क्या कहा गया है फिफ्थ शेड्यूल में कहा क्या कहा गया है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के विषय में कहा गया, गया है उस क्षेत्र के प्रशासन के विषय में बात की गई है ठीक छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में क्या है छठी अनुसूची की बात करें वहां क्या किया गया है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम और मिजोरम मतलब ए टी एम स्क्वायर याद रखेंगे ए टी एम स्क्वायर यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है छठी अनुसूची में क्या है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है कहा कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की ठीक इसको याद रखेंगे इसका ट्रिक क्या है ए टी एम स्क्वायर ए टी एम स्क्वायर असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्र की चर्चा छठवी अनुसूची में की गई है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित तो जनजातीय क्षेत्र की और लेकिन छठवी में स्पेशली इन क्षेत्रों का असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक इन चार क्षेत्रों का आखिरकार दोनों बात तो यही है सेम लग रहा है जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की ही लेकिन असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम को अलग क्यों कर दिया गया तो स्वायत्त स्वायत्त या स्वशासी जिला परिषद की अगर बात कहा जाए स्वशासी तो ये मात्र इसी चार राज्यों में होंगे बाबू असम में मेघालय में त्रिपुरा में और मिजोरम में ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग सातवीं अनुसूची पे सातवीं अनुसूची में क्या है तो शक्तियों के पृथककरण की बात कही गई है सातवीं अनुसूची में क्या है, है सेवंथ शेड्यूल में शक्ति पृथककरण की बात जो कहा जाए शक्ति पृथककरण की बात यहां पर शक्ति पृथककरण की बात करें तो शक्ति पृथककरण में क्या चीज संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची समवर्ती सूची की बात करें सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्ट लिस्ट की बात करें इसकी चर्चा कहा की गई है सातवीं अनुसूची में की गई है संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है जो शक्ति पृथककरण का सिद्धांत संविधान में कहा मिलता है आप कहेंगे सातवीं अनुसूची में मिलता है आपसे पूछेगा संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में संविधान में कहा चर्चा मिलता है आप कहेंगे सातवीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है अब संघ सूची होता क्या है राज्य सूची क्या होता है समवर्ती सूची क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए संघ सूची में जो भी कानून बनाया जाएगा जो भी नियम बनाए जाएंगे बाबू सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे राज्य सूची में वह जो भी कानून बनेगा जो भी विधियां बनेगी वह सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा और समवर्ती सूची में क्या होगा समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बना सकते हैं दोनों मिलकर कानून को बना सकते हैं लेकिन जब किसी भी ऐसे विधियों में टकराव उत्पन्न हो जाए संघ और राज्य के बीच में तो क्या होगा संघ को बरियता दिया जाएगा किसको बड़े भाई को संघ को बरियता दिया जाएगा तो ये रहा आपका संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची अब पूछता क्या है उसको सुनेंगे संघ सूची में पहले कितने विषय थे यह पूछ सकता है आपसे तो संघ सूची में पहले नाइनटी सेवन संतानवे विषय था अभी कितना है सौ विषय है अभी कितना है बाबू सौ विषय है उसी तरह से राज्य सूची में पहले कितना विषय था तो पहले छियासठ विषय थे अभी इकसठ विषय है और वही समवर्ती सूची की बात कहा जाए पहले कितना था तो सैतालीस विषय थे अभी कितने हैं तो बावन विषय है ठीक तो ये यहां से आपसे यह भी पूछेगा जो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं उपासना झा गुड आफ्टरनून चलिए वर्तमान की बात कहा जाए वर्तमान की बात कहा जाए वर्तमान में कितने और पहले कितना था मतलब मूल में कितना था मूल संविधान में कितना था सुगन सुनेंगे मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे <coughs> अच्छा समझा समझ में नहीं आया सर अच्छा ठीक है समझा दे रहे हैं सुनिए ये जो सातवीं अनुसूची की हमने बात कहा जो सातवीं अनुसूची सेवन्थ शेड्यूल की बात कहा जाए बाबू उसमें शक्ति पृथककरण की जो हमने बात कहा जो शक्ति पृथककरण के सिद्धांत की बात कही गई है जिसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में तो संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची मतलब यूनियन लिस्ट की बात कहा जाए स्टेट लिस्ट की बात कहूं और कॉन्क्रेट लिस्ट की बात कहूं मतलब इसमें संघ ही सिर्फ कानून बनाएगा तो ये पहले मूल संविधान में जिस समय में संविधान का निर्माण किया गया था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसमें कितने विषयों को रखा गया था जो संघ उस पर सिर्फ कानून बना सकता है विधियां बना सकता है तो वह संतानवे नाइन्टी सेवन ऐसे विषय थे ऐसे लिस्ट में संतानवे चीजों को रखा गया था 97 चीजों वस्तुओं को रखा गया था वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ के एक हो गई है यही हमने कहा यहां से यह क्वेश्चन को पूछता है उसके बाद राज्य के लिए रा, राज्य सूची में कितने विषय थे तो 66 विषय उस समय में थे अभी कितना है सिक्सटी है और पहले सूची में क्या था पहले सैतालीस विषय थे अभी वर्तमान में बावन विषय है अब समझ में आया अब समझ में आया सगुन चलिए आगे अब ये संघ सूची के विषय क्या क्या होंगे सवाल यह भी आता है तो देखिए जैसे हम अभी बात कर रहे रेलवे की अभी अगर मैं बात करूं रेलवे किस सूची का विषय है बाबू तो संघ सूची का सिक्का टकसाल सेना सैन्य व्यवस्थाएं डिफेंस की बात करूं वैदेशिक संबंध बैंकिंग ये सब किस सूची के विषय हैं? तो ये सारे संघ सूची के विषय हैं। अच्छा कोई नहीं वीडियो को एक बार देख लेंगे एस कुमारी गुप्ता ठीक है और कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है तो कितने विषय उस समय में तो संतानवे विषय अभी सौ विषय तो अब आपसे पूछे कोई जनगणना की बात करें जनगणना की बात किस सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है सिक्का टकसाल रुपया किस सूची का विषय है तो संघ सूची का रेलवे संघ सूची का डिफेंस संघ सूची का, सेना संघ सूची का ठीक उसी तरह से आपसे पूछ दे ठीक है बता देंगे लास्ट में इसको फिर से एक बार समराइज करेंगे बाबू तो सुन लीजिएगा अभी तो स्टार्ट ही किए हैं उसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या क्या है सुनेंगे और थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे आप लोग राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या क्या होगा तो राज्य सूची की बात करें तो पुलिस आपसे पूछे पुलिस किस सूची का विषय है पूछता है क्वेश्चन को देखेंगे तो राज्य सूची का कारागृह मतलब जेल किस सूची का विषय है तो राज्य सूची का उसी तरह से आपसे पूछे जुआ सट्टा कृषि सहकारिता किस सूची का विषय है तो ये सभी जो विषय हैं यह राज्य सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? है लेकिन आपसे यही पूछ दे शिक्षा वन शिक्षा वन समवर्ती सूची में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन की बात करूं किस सूची का विषय है बाबू तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है अपराधिक नियमावली या अपराधिक नियम जो बनाया जाता है किस सूची का विषय है तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है ठीक समवर्ती सूची का विषय है माप बाट तौल जो होता है माप मेजरमेंट जो करते हैं यह सब किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है ठीक है तो इन्हीं तरहों के विषयों को कहां, कहां रखा गया और कितने हैं इसी के बारे में यह चर्चा करता है सातवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची क्या है शक्ति का पृथककरण शक्ति का जो है विभाजन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहा जाए वो यही है जो आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे जो हमारे यहां जो है वह Uh, क्या कहते हैं संघीय व्यवस्था का फीचर पाया जाता है गुण पाया जाता है पूर्णता नहीं हम कहेंगे तो हैरान वहां नहीं होना है और वह कहा मिलता है तो ये यहीं से आपसे कोई पूछे संघीय व्यवस्था का प्राथमिक गुण क्या होता है तो वह होता है शक्तियों का पृथककरण शक्तियों का पृथक एक ही भूभाग पे दोहरी सरकार ये सब आगे सुनने को आपको मिलेगा ठीक है तो यही है शक्ति पृथककरण ठीक तो शक्ति पृथककरण को आपने देखा अब आठवीं अनुसूची की बात कर ले अब आठवीं अनुसूची बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा आठवीं अनुसूची में क्या है बाबू इसमें है भाषा की बात किया जाए अब कितने भाषा तो जब मूल संविधान की बात कहा जाए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चौदह भाषा था और वर्तमान में बाईस भाषाएं हैं वर्तमान में बाईस भाषा है वर्तमान में बाईस भाषा है और मूल संविधान की बात हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था तो चौदह भाषाएं थी अब यह चौदह से बाईस कैसे कैसे बना और यहां से बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है हम लोग शेड्यूल पर रहे हैं अभी याद रखेंगे अब ये बाईस भाषाओं की बात करें चौदह भाषा पहले था तो सबसे पहला भाषा कौन सा शामिल हुआ तो सबसे पहले सिंधी को डाला गया किसको डाला गया बाबू सिंधी को डाला गया कब डाला गया तो लिख लेंगे उन्नीस में डाला गया कैमे संविधान संशोधन से इक्कीसवा संविधान संशोधन से तो भाषा का संख्या अब कितना हो गया पंद्रह फिर आगे क्या होता है एक हत्तर में संविधान संशोधन के द्वारा नमक को डाला गया किसको नमक कहेंगे सर यह नमक क्या है कब में संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में उन्नीस में नमक जुड़ता है कहेंगे सर यह नमक क्या है तो सुनेंगे नौ से नेपाली मौसे मणिपुरी और से कोंकनी ये तीन भाषा पुनः जुड़ता है कब जुड़ता है इकहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस सौ बिरानवे में तीन भाषा को पुनः जोड़ा गया कौन कौन सा नेपाली मणिपुरी और कोंकनी को इसी का ट्रिक हो गया आपके लिए नमक क्या हो गया नमक हो गया ठीक है तो तीन भाषा जुड़ता है उन्नीस सौ उन्नीस सौ बिरानवे ईस्वी में इकहत्तर में संविधान संशोधन करके तीन भाषा को जोड़ा जाता है अब भाषा की संख्या देखेंगे तो अठारह हो जाती है फिर क्या होता है वह सुनेंगे बाबू में संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए यहां भी आपको ट्रिक नजर आएगा इक्कीस इकहत्तर बिरानवे जोड़ लीजिए बिरानवे आ जाएगा बिरानवे में संविधान संशोधन के द्वारा बॉड मास जुड़ता है क्या जुड़ता है बाबू बॉड मास सर या बोड मस क्या है बोसे बोडो डॉ से डोंगरी याद रखेंगे क्या चीज है से बोडो डॉ से डोगरी डोंगरी मौ से मैथिली मौ से मैथिली और सौ से संथाली सौ से संथाली ये चार भाषाएं जुड़ती है कब जुड़ती है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी उस समय में यह भाषा जुड़ जाता है तो अब भाषा का संख्या आप देख लीजिए चार भाषा इधर और चार इधर और चौदह पहले था टोटल मिलाकर के बाईस भाषा हो गया ना बाबू बाईस भाषा हो गया ना और यह बार बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में जो बोर्डो डोंगरी मैथिली और संथाली यह कब जुड़ा तो 2003 में अच्छा आपसे पूछेगा बिरानवे में संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सा भाषा जुड़ा तो बाबू चार भाषा जुड़ा कौन सा जुड़ा तो बोडमास जुड़ गया क्या जुड़ गया बोडमास क्या क्या बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली ठीक उसी तरह से इकहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा नमक ये तीन भाषा जुड़ा कहेंगे सर नमक नमक का मतलब हमने बता दिया नेपाली मणिपुरी और कोंकनी ये तीन भाषाएं जुड़ती है जुड़ती है ना ये तीन भाषा जुड़ता है <laughs> तीन भाषा जुड़ता है और सबसे पहले कौन सा जुड़ा है बाबू तो सिंधी जुड़ा है तो वर्तमान में आपके संविधान में कितने भाषा है तो अभी 22 भाषाएं हैं और पहले कितना था तो चौदह भाषा था ठीक तो आठवीं अनुसूची तक की बात करें हमारे मूल संविधान में आठ ही अनुसूची था अब बात किया जाए कि अब उसके बाद वर्तमान में बारह अनुसूची है तो नौवीं अनुसूची कब आया उसको थोड़ा सा सुन लेंगे थोड़ा सा सुनेंगे नौवीं अनुसूची कब आता है बाबू तो नौवीं अनुसूची की बात करें नौवीं अनुसूची कब आता है तो नौवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहला संविधान प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस में उन्नीस में पहला संविधान संशोधन के द्वारा पहला संविधान संशोधन के द्वारा नौवी अनुसूची को जोड़ा गया अब यह नौवीं अनुसूची में था क्या तो इसमें बाबू लैंड रिफॉर्म था जमींदारी उन्मूलन की बात करें जमींदारी उन्मूलन की बात करें लैंड रिफॉर्म की बात करें तो पहली पहली अन, अ, पहली बार ठीक तो नौवीं अनुसूची को इसके लिए जोड़ा गया किसके लिए जमींदारी है जमींदारी उन्मूलन की बात कहा जाए उन्मूलन की बात करू उन्मूलन की बात करू ठीक जमींदारी उन्मूलन की बात कहा जाए भूमि सुधार की बात कहा जाए आपसे पूछ लेगा आपसे पूछता है भूमि सुधार संबंधित है किससे तो आप डायरेक्ट कहेंगे नॉमी अनुसूची किस से किससे नॉमी अनुसूची से नाइन्थ शेड्यूल की बात कहा जाए और दसवीं अनुसूची की बात कहा जाए तो यह भी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया तो दसवीं अनुसूची की बात जाए दसवीं अनुसूची में क्या डाला गया को अनुसूची की बात कहा जाए तो यहां क्या आया दो से दस दो से दल बदल दल बदल दल बदल को कब उन्नीस में उन्नीस सौ में 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी ठीक 1985 में दल बदल को डाला गया ग्यारहवीं अनुसूची की बात करें वहां क्या है तो सुनेंगे बाबू ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज स्थानीय स्था... पंचायती राज पंचायती राज दसवीं अनु ग्यारहवीं अनुसूची में तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा तिहत्तरवा संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस में इसको लागू किया जाता है उन्नीस में ग्यारहवीं अनुसूची में क्या डाला गया पंचायती राज को डाला गया स्थानीय स्वशासन की बात करें इसको संवैधानिक मान्यता यहीं से प्राप्त हो गई तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा और इसे कहा जगह दिया गया ग्यारहवीं अनुसूची में इसको जगह दे दिया गया ठीक है और संविधान के किस भाग में पंचायत की चर्चा तो भाग नौ की है, तो नौ में इसकी चर्चा की गई ठीक और इसके द्वारा क्या किया गया पंचायत को उनतीस कार्य उन्तीस कार्य दे दिया गया कितना दे दिया गया उन्तीस कार्य दिए गए हैं ठीक है तो आपसे अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्यारहवीं अनुसूची की चर्चा करें क्या है ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा की गई और लगे हाथ बारहवीं अनुसूची की अगर बात करें तो बारहवीं अनुसूची में क्या है बाबू इसमें स्थानीय नगरीय स्वशासन की बात कहा गया मतलब नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम की बात करूं नगर पंचायत नगर पालिका मतलब म्युनिसिपैलिटी की बात करें नगर पालिका और नगर निगम की बात कहा जाए स्थानीय नगरीय स्वशासन की बात करूं ठीक और कैवें संविधान संशोधन से तो चौहत्तरवां संविधान संशोधन के द्वारा बारहवीं अनुसूची में किसको डाल दिया गया बाबू पंचायत ये स्थानीय नगरीय स्वशासन मतलब नगर पालिका नगर निगम नगर निगम और नगर पंचायत की चर्चा की गई है चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत एक बार सुन लेंगे शुरू से पहले अनुसूची में क्या है तो पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की चर्चा की गई है पर्टिकुलर नाम बिहार यूपी बंगाल जो भी आप कहते हैं ये नाम का चर्चा पहली अनुसूची में मिलेगा ठीक है दूसरी अनुसूची की बात करें तो वहां किसकी चर्चा की गई है बाबू वहां चर्चा की गई है वेतन की चर्चा भत्ते की चर्चा और परि उपलब्धियों की चर्चा ठीक तो आपसे मोटे मोटे तौर पे पूछेगा दूसरी अनुसूची संबंधित है तो वेतन से संबंधित है फिर आपसे पूछेगा तीसरी अनुसूची संबंधित है तो शपथ ओथ से संबंधित है तीन व्यक्तियों का छोड़ करके किनके किनके राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इन तीनों का कहेंगे सर इसकी चर्चा कहां है जब आगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां उसके आर्टिकल पर्टिकुलर उनके लिए दिया गया चर्चा कर देंगे राज्यपाल के बारे में चर्चा कर देंगे और उपराष्ट्रपति के बारे में ठीक है चलिए आगे चौथी में क्या है तो राज्यसभा में किसी भी राज्य का और यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र जैसे दिल्ली की बात करें पुदुचेरी की बात करें इन्हें कितना सीट दिया गया है उनके लिए सीटों का आवंटन ये चौथे अनुसूची में की गई है पांचवी अनुसूची में क्या है तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है क्या कहा गया पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में छठी अनुसूची में क्या है बाबू तो एटीएम स्क्वायर असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में कही गई है उनके प्रशासन की बात की गई है सातवीं अनुसूची में क्या है शक्तियों के पृथककरण की बात कही गई है संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। में कितने सुनते रहेंगे गौर से संघ सूची में संतानवे विषय थी मूल संविधान में वर्तमान में कितना है सौ राज्य सूची में कितना था सिक्सटी सिक्स विषय था अभी कितना है सिक्सटी वन है समवर्ती सूची में बात किया जाए पहले फोर्टी सेवन था अभी कितना है फिफ्टी टू है ठीक है संघ सूची में कौन कौन से विषय आएंगे रेलवे आएंगे डिफेंस आएंगे ठीक सिक्का आएगा टकसाल आएगा जनगणना ये जनगणना आएगा ये सब सभी संघ सूची के विषय हैं वैदेशिक संबंध आएगा ये सभी संघ सूची के विषय है नागरिकता संघ सूची के विषय है राज्य सूची के विषय क्या है राज्य सूची के विषय है पुलिस है जेल है जुआ है सट्टा है कारागृह है ये सभी राज्य सूची सहकारिता ठीक कृषि ये सभी राज्य सूची के विषय है समवर्ती सूची में क्या है शिक्षा है बाट है तौल है यह सभी क्या है राज्य सूची का विषय है ठीक राज्य सूची का विषय है वन है यह सब ये सब सब क्या है आ, ये आ, समवर्ती सूची का विषय है कॉन्क्रेंट लिस्ट का है. ठीक है अब बात किया जाए परिवार नियोजन तो समवर्ती सूची का दोनों मिलकर करेंगे है कि नहीं अब आगे आठवीं अनुसूची की बात कर लू उसमें क्या है वर्तमान में बाईस भाषा मूल संविधान में चौदह भाषाएं थी सबसे पहले कौन सा तो सिंधी आया इक्कीसवां संविधान संशोधन करके 1967 में ठीक सिंधी को डाला गया पंद्रहवां भाषा सिंधी बना उसके बाद कौन सा तो तीन भाषा आया बाबू नमक कौन कौन सा नौ से नेपाली मौ से मणिपुरी कौ से कोंकणी ठीक है कैमें संविधान संशोधन के द्वारा इकहत्तर में संविधान संशोधन के द्वारा ठीक डाला गया उसके बाद फिर कौन सा भाषा तो चार भाषा पुनः आते हैं कौन सा बॉडमास आते हैं ब से बोडो डॉ से डोंगरी मौ से मैथिली और सौ से संथाली यही हो गया बॉड कब 2003 में ठीक कैमे संविधान संशोधन के, के द्वारा तो इक्कीस इकहत्तर को जोड़ लीजिए आ जाएगा ठीक कितने इस में तो 2003 में। तो ये इस प्रकार आठ अनुसूची आपका क्लियर हो गया मूल संविधान का अब आ जाइए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो बारह है उसमें से नौवीं अनुसूची की बात कहा जाए तो सबसे पहले सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया उन्नीस सौ ईस्वी में इसके द्वारा नौवीं अनुसूची की नींव पड़ी और इसको जरूरत क्यों पड़ी तो जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार के लिए यह जरूरी था इसलिए इसको नौवीं अनुसूची को लाया गया दसवीं अनुसूची में क्या तो दल बदल कब तो बावनवां संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस ईस्वी में कैमें संविधान संशोधन के द्वारा तो बावनवें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को डाला गया उन्नीस ईस्वी में ठीक राजीव गांधी साहब की सरकार थी ग्यारवी अनुसूची में क्या है बाबू तो पंचायती राज है स्थानीय स्थानीय स्वशासन की बात कहा जाए स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की बात कहा जाए ठीक तो वह कहा है ग्यारहवीं अनुसूची में इलेवंथ शेड्यूल में ट्वेल्थ शेड्यूल की बात करें बारहवीं अनुसूची में क्या है बाबू तो बारहवीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय स्वशासन नगर पालिका नगर निगम और नगर पंचायतों की चर्चा की गई चौहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस सौ तिरानवे ईस्वी में इसे भी लागू कर दिया गया और इसमें कितना इनको कार्य दिया गया तो अट्ठारह कार्य दिए गए थे किनको म्यूनिसपैलिटियों को ठीक है यहां तक अगर किसी को कहीं भी तरह किसी भी चीजों को समझने में अगर दिक्कत है और यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं <coughs> इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत तो पूछ लीजिए नहीं तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे एस कुमारी गुप्ता शगुन किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे चलिए अब आज जो हम लोग का टॉपिक था संघ सूची अच्छा संघ सूची का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ संघ ही कानून बना सके ठीक है मतलब यूनियन लिस्ट की बात कहा जाए सेंट्रल लिस्ट की बात करूं जिस जिसपे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ नोट दिया जाएगा हाँ सारा चीज मिलेगा आपको टेलीग्राम पे आदित्य ठीक है <laughs> संघ सूची के बारे में सुनिए बाबू संघ सूची का मतलब क्या होता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ जिस पे सिर्फ और सिर्फ संघ कानून बना सके जिस पे सिर्फ और सिर्फ संघ कानून बना सके ठीक जो शक्ति के पृथककरण की बात कहा जाता है तो उसमें राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों को हमारे संविधान में बांट दिया गया है सुनेंगे एस कुमारी गुप्ता सातवीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं सुनिए सातवीं अनुसूची में जो सातवीं अनुसूची है इसमें शक्ति पृथक की बात कही गई है क्या कही गई है बाबू इसमें शक्ति पृथक के बात कही गई है शक्ति पृथक की बात कही गई है मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहा जाए सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहा जाए इसकी चर्चा की गई है इसी में क्या है इसी में है संघ सूची इसी में है राज्य सूची और इसी में समवर्ती सूची के विषय में हम पढ़ते हैं अब सुनेंगे ध्यान से और गौर से संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट की बात कहा जाए सेंट्रल लिस्ट की बात कहूं राज्य सूची स्टेट लिस्ट की बात कहूं और समवर्ती सूची मतलब कॉन्ट लिस्ट की बात कहूं संघ सूची में सिर्फ संघ ही कानून बना पाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ संघ के द्वारा कानून बनाया जाएगा राज्य सूची की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ राज्य के द्वारा कानून बनाया जाएगा और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन जब किसी भी विधियों में किसी भी कानून में अगर दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो उस दशा में किसको वरीयता मिलेगा संघ को वरीयता मिल जाएगा ठीक समवर्ती सूची पे अब इसमें आते क्या क्या विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं तो इसके बारे में सुन लीजिए संघ सूची की बात करें संघ सूची में नाइनटी सेवन टॉपिक पहले था जिस समय में मूल संविधान जिस समय में संविधान बना था मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितना है अभी सौ विषय है ठीक राज्य सूची में कितना पहले सिक्सटी सिक्स पहले छियासठ विषय थे अभी इकसठ विषय है और वही समवर्ती सूची में पहले सैतालीस था और अभी बावन विषय गए। अब कहेंगे यह विषय क्या है सर तो वह अभी सुनिए जैसे बात किया जाए हम अभी आपसे पूछ ले जो रेलवे किस सूची का विषय है तो वह सेंट्रल का तो रेलवे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे ये संघ सूची की बात कहा गया है ये राज्य सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची का विषय है ठीक अब सुनिए ध्यान से <coughs> संघ सूची में क्या क्या आएगा तो संघ सूची की अगर बात करें बाबू तो लिख लीजिए अगर जिनको लिखना हो रेलवे ठेक सैन्य मतलब सेना विदेश संबंध की बात कहा जाए वैदेशिक संबंध ठेक उसके बाद कोई भी संधि समझौता अगर किसी देश से करते हैं वो सिक्का की बात करें जो सिक्का आप हम यूज करते हैं टकसाल की बात करें जहां से सिक्का निकलता है रुपया की बात करें जनगणना की बात करें जन गणना की, की बात करें ये सभी संघ सूची के विषय है जनगणना की बात करें, ठीक ये सभी संघ सूची उसी तरह नागरिकता की बात करें नागरिकता कौन देगा बाबू केंद्र के द्वारा ही ना तो ये सभी संघ सूची के विषय है ये सभी संघ सूची के विषय है उसी तरह आपसे पूछ दिया जाए राज्य सूची के विषय क्या है तो राज्य सूची में जैसे अगर हम कह दे कृषि अगर हम कह दे सहकारिता अगर हम कह दे जेल अगर हम कहें कारागृह ठीक उसके बाद हम कह दू कृषि ये सभी राज्य सूची के विषय हैं ये सभी राज्य सूची के विषय हैं जुआ सट्टा पुलिस ठीक ये सब राज्य सूची का विषय है और वहीं समवर्ती सूची के बारे में बोले उसमें क्या आएगा सुनेंगे बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है वन ठीक शिक्षा माप बाटतौल उसके बाद आपको आपराधिक नियमावली परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण लोक व्यवस्था सॉरी लोक व्यवस्था नहीं तो ये सभी क्या आ जाएगा ये सभी समवर्ती सूची में लोक व्यवस्था की बात कहा जाए आम स्वास्थ्य की बात कहा जाए यह सब राज्य सूची का विषय हो जाएगा स्वास्थ्य लोक व्यवस्था यह सब राज्य सूची का ठीक है तो चीज हुआ इसमें कानून कौन बनाएगा तो जिसके जिसके लिस्ट में जिसकी बात कहा हूं वही उस विषय पे कानून बनाएगा अब पुलिस के लिए कौन कानून बनाएगा बिहार पुलिस किस विषय अब अब देखिए जैसे कहते हैं ना बिहार पुलिस एमपी पुलिस यूपी पुलिस कहते हैं ना तो उसी तरह से वो इसीलिए उसको राज्य सूची का विषय हो गया वह स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा अपने लिए राज्य बनाएगा लोक व्यवस्था ये सब सभी लेकिन अपराधिक नियमावली की बात कहा जाए तो यह जितना हमने कहा उस वीडियो को आप लोग बार बार सुनेंगे और कोशिश करेंगे कोई भी मानक बुक कोशिश करें घटना चक्र उठा लेंगे और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और घटना चक्र का अगर क्वेश्चन बना दे रहे हैं तो हमको नहीं लगता बिहार एसएससी का आपका क्वेश्चन फंसेगा क्यों क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो पीसीएस लेवल के और एस लेवल तक के क्वेश्चन हो जाते हैं और इस जिस चीजों को हमने पढ़ाया है इससे क्वेश्चन आई से लेके पीसीएस से लेके किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करूं और नीचे अगर दरोगा की बात करें सिपाही की बात करें सभी जगह इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ठीक तो अगर आप जैसे ही अनुसूची की बात तो अभी तक हमने जितना अनुसूची को पढ़ाया इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे देख लेंगे कहीं भी एक भी क्वेश्चन इससे नहीं फंसेगा ठीक है यह हम विश्वास के साथ कह रहे हैं अब जो हमारा टॉपिक है अब हमारा टॉपिक हो जाएगा बाबू आर्टिकल एक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वह टॉपिक क्या होगा वह होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कहा जाए ठीक तो कल जो हम लोग का टॉपिक होगा वह संघ राज्य क्षेत्र से कल हमारा टॉपिक होगा कल हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास आप लोगों के लिए इतना ही था ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सपना सभी को समझ में आया या नहीं आया यह बात बताइए सभी लोग यह कमेंट करें जो समझ में आया या नहीं आ, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है उसके लिए टेलीग्राम पे आप लोग टेंशन नहीं लेंगे और आ, बहुत सारा चीज एमसीक्यू फॉर्म में भी आप लोगों को मिलेगा ठीक है और कल से रैपिड फायर सेशन आज जो है आप लोगों का समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था कल से क्लास लगभग डेढ़ घंटे चलेगी सवा घंटे क्लास चलेगी पॉलिटी का उसी तरह से ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट होगा उसी चीजों को आप लोगों को दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आज का क्लास यहीं तक आज का सफर यहीं तक था कल से आप लोगों से इसी समय पांच बजे हम लोग से हमसे हम आपकी मुलाकात होगी ठीक है चलिए